आज हम बनाएंगे पीनट बटर कुकीज़। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और बिल्कुल बाजार जैसे कुकीज़ आप घर में भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। और हम इसे ओवन और विदाउट ओवन दोनों में बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं एक बोल में ले रही हूँ आधा कप बटर। ये रूम टेम्परेचर का बटर है। मैं जो बटर यूज़ कर रही हूँ ये सॉल्टेड बटर है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा नमक, मतलब एक चुटकी नमक आप इसमें डाल सकते हैं। और इसके साथ हम मिलाएंगे 3/4 कप पाउडर शुगर। अब इसे 2-3 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे हैंड विस्कर से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेगुलर जो शुगर होता है वो लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं। अगर आप ब्राउन शुगर भी लेते हैं तो आधा ब्राउन शुगर और आधा रेगुलर शुगर को मिलाकर लीजिएगा। फिर 2-3 मिनट बाद इसके साथ हम मिलाएंगे आधा कप पीनट बटर। कोई भी ब्रांड का आप पीनट बटर ले सकते हैं। इसे भी हम 2-3 मिनट के लिए बीट कर लेंगे और बीच में 1-2 बार इसे ऐसे स्पैचुले से निकाल कर सेंटर में कर लीजिएगा। जब ये थोड़ा सा फ्लफी और क्रीमी सा बन जाएगा तो हम इसके साथ ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिलाएंगे। इसमें हम मिलाएंगे 1 कप मैदा और मैदा के साथ मैंने 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा को मिक्स करके छान लिया था। और इसे हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेना है। इसे रोटी चपाती की तरह नीट नहीं करना, बस एक साथ इसे इकट्ठा करना है। ये हमारा डो तैयार हो गया है। और इधर हम बेकिंग ट्रे को इस तरह से घी लगाकर थोड़ा सा ग्रीस करके रखेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं। और थोड़ा सा नींबू जितना पोर्शन लेकर इस तरह से गोल करके थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिए। हल्का हल्का इसमें क्रैक्स आ सकती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का सा स्मूथ कर लीजिए ऐसे। थोड़ा सा मैंने रोस्टेड और क्रश करा हुआ पीनट्स लिए हैं और इसे इस तरह से ऊपर लगाएंगे और हल्का हल्का प्रेस कर लीजिए ताकि अच्छे से चिपक जाए। फिर हम इसे बेकिंग ट्रे में रख देंगे। इसी तरह से हम सारे कुकीज़ को बनाएंगे और इसे थोड़ा सा गैप देकर रखेंगे क्योंकि ये बेक होने के बाद थोड़ा सा स्प्रेड होता है। और इसे हम प्रीहीटेड ओवन में सेंटर में रखेंगे। सब ओवन में एक जैसा हीट नहीं आता, किसी में ज़्यादा आता है किसी में कम आता है। मेरा जो ओवन है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हीट आता है, इसलिए मैं 175°C पर 10-12 मिनट के लिए बेक करूंगी। अगर आप ओवन में फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप 10-12 मिनट बाद इसे चेक कर लीजिए और उसके बाद अगर आप देखें कि ये बेक नहीं हुआ तो 5-6 मिनट और बेक कर लीजिएगा। नॉर्मली ये कुकीज़ 180°C पर 10-12 मिनट में बेक हो जाती है। जब तक हमारा ये कुकीज़ बेक हो रहा है तब तक हम इसे कढ़ाई में भी बना लेते हैं। तो अभी एक कढ़ाई में ले लेंगे हम नमक और इसके ऊपर हम एक स्टैंड रख देंगे और इसे कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसे प्रीहीट कर लेंगे। फिर 5 मिनट बाद हम इसमें कुकीज़ को रख देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे और इसे 20 से 25 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम में बेक करेंगे। तो ये हमारा ओवन बंद हो गया, तो अभी हम इसे निकालते हैं। अभी हम इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रखेंगे जब तक ये ठंडा ना हो जाए। तो अभी 20 मिनट हो चुके हैं तो इसे भी चेक कर लेते हैं। कढ़ाई में जब आप बनाते हैं तो इसके ऊपर से इतना कलर नहीं आता, तो अगर आप चाहें तो इसे पलट भी सकते हैं। बहुत आराम से कीजिएगा क्योंकि इस टाइम कुकीज़ काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। तो मेरा एक टूट गया है तो इस साइड से भी हम 5 मिनट के लिए इसे बेक कर लेंगे। तो अभी कुकीज़ जो है ठंडा हो चुके हैं, तो अभी एक तोड़ के दिखाते हैं। बिल्कुल परफेक्ट बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। कढ़ाई में जो हम बनाए थे उसे भी दिखाते हैं। ये भी बहुत अच्छे से बेक हो चुके हैं। अगर आपको ऐसे और भी रेसिपीज़ देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।